भारत सरकार ने तीन हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की जानकारी दी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में पीएम ने एक्स पर लिखा, उनका जीवन किसानों के अधिकार और कल्याण के लिए समर्पित रहा और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे देश को प्रेरित किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, उनकी दूरदर्शिता भरे नेतृत्व से भारत की आर्थिक प्रगति हुई और देश की समृद्धि की मजबूत नींव पड़ी। उन्होंने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोला और आर्थिक प्रगति के नए दौर का सूत्रपात किया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से करीबी संबंध होने का जिक्र करते हुए पीएम ने एक्स पर लिखा है, भारत सरकार ने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को देश में खेती और किसानों के कल्याण के लिए योगदान के लिए सम्मानित किया है। उनका देश को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान रहा। इन नए नामों के साथ इस साल अब तक 5 हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को जनवरी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और फिर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी।